तो हमने कहा बताइए आप मोबाइल चार्ज करने के लिए बिहार जा रहे हैं, अब बिहार का लोग आपके यहाँ डिस्चार्ज होने के लिए शराब पीने के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ शराब बिक रहा है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा से इसके बिल्कुल समर्थक रहे कि पूरे देश में शराबबंदी लागू होनी चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है और इससे जो है एक ऐसा माहौल बनेगा। और ये देखिए गांधी जी का देश है, इस देश को आजाद किसने कराया? गांधी जी ने। उनका 150वां वर्ष हम लोग मनाने जा रहे हैं और गांधी जी जो जानते हैं कि कभी भी डिक्टेटरशिप पर विश्वास नहीं करते थे, और उनका क्या कहना था कि अगर एक दिन के लिए हमको अगर सत्ता मिले तो पूरे देश में हम शराबबंदी लागू करें। तो देखिए ये मत समझिए कि पियाग लोग भरे साहब इससे तो बड़ा फायदा, एक फायदा बता दीजिए आपको फायदा दिखता तो कोई शराबी ठीक कहे धर्म बाबू अपने बेटा को शराब पीने के लिए कहेगा। और एक बात के लिए और भी कह दे आपको, बहुत सारे दुष्प्रचार करेंगे कि अरे भाई जनता दल को वोट दोगे तो जो हड़िया बेच रहे हो आई जो शराब बेच के बाल बच्चा को पाल रहे हो कि क्या होगा इसका। तो मैं इन ऐसे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि बिहार में हमारे नेता नीतीश बाबू ने एक नीति बनाई कि जिस परिवार का लोग शराब बेच करके शराब बना कर करके अपना रोजी रोटी चलाता है उसके लिए 1,00,000 रुपया तक उनको दिया गया अनुदान कि आप वैकल्पिक रोजगार खोज लो, और जब तक वो वैकल्पिक रोजगार नहीं मिलता है 1,000 रुपया का महीना राज्य सरकार उनको देती है कि अपना खर्चा आप चलाए। और हमारे यहाँ सालखन मुर्मू साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने एक पर्चा दिया आप लोगों को मिलेगा, इसमें पढ़िएगा, इसमें इनका बहुत अच्छा प्रस्ताव है कि जो परिवार हैया बेच करके और भी शराब का काम करके अपना परिवार चला रहा है, बिहार में अगर जनता झारखंड में अगर जनता दल यू सत्ता में आती है तो शराबबंदी लागू करेगी, और जो लोग शराब के धंधे से अपना रोजगार चला रहे हैं उनको 2 वर्षों तक 10,000 रुपया प्रति महीने देगी जिससे कि वैकल्पिक रोजगार हो खोज ले। इसलिए हम लोग सबकी चिंता करते हैं, हम लोग सब जितने हमारे लोग हैं उनको नजर में रख करके सब नीति बनाते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध हो कि देखिए अब चुनाव सामने है, और ठीक कह रहे थे सालखन साहब, चुनाव का महत्व समझिए और अपने वोट का